सफलता का कोई मंत्र नहीं होता है दोस्तों, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। जी हाँ दोस्तों, मेहनत अगर आप करेंगे जोश और जुनून के साथ तो एक दिन आपको जरूरत से ज्यादा सफलता मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RRZEE पामिस्ट्री शो और मैं हूँ आपके साथ राधा रमन जी। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं। कार्य क्षेत्र में किसी सीनियर्स की मदद के वजह से आपको काफी सफलताएं मिलेगी दोस्तों, और मार्ग मिलने की संभावना बन रही है इस महीने अप्रैल 2020 में। जी हाँ दोस्तों, आपके यानी कि मेष राशि के जातकों के करियर में थोड़ा उतार चढ़ाव के बाद अनुकूल समय रहने की संभावना बन रही है दोस्तों। मेष राशि के जातकों के विद्यार्थियों के लिए यह माह काफी समान रहने वाला है और पारिवारिक जीवन महीने के आरंभ में अधिक अनुकूल रहने की संभावना बन रही है दोस्तों। माता पिता का स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है इस महीने, किसी वजह से थोड़ी बहुत परेशानी की सामना करनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बनी रह सकती है, माता पिता के स्वास्थ्य के लिए काफी ध्यान रखने योग्य बात है इस महीने दोस्तों। दोस्तों आपके प्रेम जीवन काफी खुशनुमा रहने वाला है इस महीने, काफी खुशी का समय इस महीने प्रेम जीवन में रहने वाला है और काफी सुनहरा पल इस महीने आने वाला है आपके प्रेम जीवन में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप शादीशुदा हैं और आपकी तो आपके जीवन में काफी खुशहाली का सामना हो सकता है और काफी खुशहाली मिल सकती है दोस्तों। दोस्तों आर्थिक दृष्टि से अगर देखी जाए तो असमान रहने वाला है ये महीने आपके लिए दोस्तों। मेष राशि के लिए जातकों के लिए यह महीने के शुरुआत में शुक्र के आपके लिए अच्छा योग बन रहा है, शुक्र आपके लिए अच्छा योग बना रहा है दोस्तों, जिससे आपको काफी धन प्राप्ति होने की संभावना बन रही है। कमर और पैरों से जुड़ी तकलीफ हो सकती है इस महीने, जरूर अपने कमर और पैर से रिलेटेड किसी तरह की परेशानी से बचने की प्रयास करें आप दोस्तों। मेष राशि के जातकों के लिए इस महीने की शुरुआत में कम नींद आने की संभावना बन रही है, लेकिन इस महीने के अंत में सामान्य रूप से देखा जाए तो नींद ठीक हो सकती है इस महीने के लास्ट में। जी हाँ दोस्तों, अब हम आप बात करेंगे उपाय के बारे में। मेष राशि के जातकों के कुछ परेशानी की सामना करनी पड़ेगी, जिसके उपाय के लिए आप दोस्तों शनिवार के दिन बिल्कुल नियमित पूर्वक आप छाया पात्र का दान करेंगे तो आपको विशेष सफलता हासिल होने की संभावना बन रही है दोस्तों। इस महीने अप्रैल 2020 में खास करके वृष राशि के जातकों के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है कि इस महीने आपको किसी अलग अलग परेशानी की वजह से, किसी अदर अदर झंझट की वजह से आपको क्रोध होनी पड़ सकती है और दोस्तों आपको इस महीने क्रोध से बचने की आवश्यकता है, नहीं तो कुछ संकट आ सकती है आपके ऊपर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको व्यवसाय में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन दोस्तों अधिक मेहनत के बावजूद आपको कम मुनाफा हासिल होगा, इससे दोस्तों आप ज्यादा परेशान ना होए और अपने कंटिन्यू मेहनत को करते रहें ताकि आपको आगे चल के विशेष सफलता मिल सके। अगर दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्टूडेंट के लिए भी इस महीने काफी अधिक कठिनाई का परिश्रम करना पड़ सकता है, यानी कि कठिन मेहनत करनी पड़ सकती है, जिससे आपको फायदा तो कम मिलेगी लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। आप निराश ना होए और कंटिन्यू आप मेहनत करते रहें। और दोस्तों जॉब के लिए शनि की नवम भाव में उपस्थित मनचाहे ट्रांसफर का योग बन रहा है, यानी कि दोस्तों शनि देव नवम भाव में उपस्थित हैं, जिससे आपको जॉब के लिए काफी अच्छा योग बन रहा है। और दोस्तों अगर आप व्यापारी हैं तो आपके लिए काफी अच्छा फायदा इस महीने मिल सकता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा मुनाफा मिलेंगे तो आपको घाटा होने की भी संभावना बन रही है, तो जरूर ध्यान बरते रहें दोस्तों। दोस्तों अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए काफी अच्छा यह माह रहने वाला है, काफी योग रहने वाला है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी जरूरत से ज्यादा दोस्तों। दोस्तों अगर पारिवारिक जीवन की मैं बात करूं तो काफी अनुकूल रहने वाला है, पूरा फैमिली आपका स्वस्थ और खुशहाल का समय ये व्यतीत होने वाला है इस महीने अप्रैल 2020 में। और आपकी अगर प्यार की मैं बात करूं दोस्तों, इस महीने आपके प्यार में कुछ उतार चढ़ाव बन सकती है, आपके जीवन साथी के साथ कुछ मनमुटाव बन सकती है दोस्तों। अपने प्यार को जरूर प्यार में मधुरता लाएं ताकि इस महीने आपको खुश
खुशी में कोई प्रॉब्लम ना आए, खुशी आपकी बरकरार रह सके। यहाँ दोस्तों जरूर अपने व्यवहार पे और प्यार पे ध्यान इस महीने जरूर दें ताकि किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों आर्थिक मामला की अगर बात करूं तो आर्थिक मामले में आपका ये महीना समान रहने वाला है। अधिक मुनाफा तो हो सकती है लेकिन आपको खर्च भी होने की संभावना बन रही है, जिससे आपका आर्थिक दृष्टि काफी समान रहने वाला है पिछले महीने के अकॉर्डिंग। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखी जाए तो काफी अच्छा रहने वाला है, आपका पूरा फैमिली और आप बिल्कुल इस महीने स्वस्थ रहेंगे। थोड़ी बहुत आपको कठिनाई उठानी पड़ सकती है स्वास्थ्य की दृष्टि से। दोस्तों आप स्वस्थ रहेंगे और मानसिक और शारीरिक दृष्टि से भी आप स्वस्थ इस महीने रहेंगे। और दोस्तों अब लास्ट में चर्चा करेंगे इस महीने जो आपको परेशानी होगी उसके उपाय के बारे में, आप कैसे उस परेशानी से बच सकते हैं। दोस्तों श्री राधा और कृष्ण की उपासना करेंगे और साथ ही माता सरस्वती के को पीले चावल बना करके भोग लगाएंगे तो आपको विशेष सफलता होगी। आशा करते हैं ये वीडियो आपको आज अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। 2020 में मिथुन राशि के जातकों के लिए आर्थिक मोर्चे पर काफी उतार चढ़ाव बनने की संभावना बन रही है। आपके बिजनेस के क्षेत्र में या फिर दोस्तों आपके काम काज कार्य के क्षेत्र में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव बन सकती है। इस महीने जरूर ध्यान बरतें और सावधानी से काम करें दोस्तों। और दोस्तों आपके जीवन में खर्च में वृद्धि हो सकती है, खर्च अधिक बढ़ सकती है, जरूरत से ज्यादा इस महीने खर्च हो सकती है, ध्यान पूर्वक खर्च करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए इस महीने अष्टम भाव से शनि की दृष्टि आपके करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति बनाएगी। शनि देव आपके करियर पे काफी ज्यादा उतार चढ़ाव बनाएंगे जिससे आपको कुछ परेशानी की सामना करनी पड़ेगी दोस्तों। तो जरूर ध्यान बरतें और सावधानी पूर्वक काम करें। आपके प्यार के मामले में अगर बात की जाए तो काफी समान समय रहने वाला ही है प्यार की दृष्टि से। और अगर वैवाहिक दृष्टि से देखी जाए तो विवाहित के लिए इस महीने दाम्पत्य जीवन में काफी ज्यादा बहुत हलचल मच सकती है या फिर दोस्तों आपको हलचल की वजह से अलग अलग परेशानी की भी सामना करनी पड़ सकती है। और दोस्तों आर्थिक तौर पे अगर देखी जाए तो कुछ परेशानियों का भी सामना करनी पड़ेगी आर्थिक दृष्टि से भी। पैसे के क्षेत्र में तो ऑलरेडी आपको उतार चढ़ाव बनेगी जिससे आप संभल जाएं पहले ही ताकि आपको आगे चल के अधिक परेशानी की सामना ना करना पड़े दोस्तों। और स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर बात की जाए तो दोस्तों कुछ स्वास्थ्य हानि भी हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधी भी आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। इस महीने अप्रैल 2020 में आपकी माता जी का स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आपके पिताजी की थोड़ी सी तबीयत जो है, स्वास्थ्य जो है उनकी खराब रह सकती है। इसलिए दोस्तों स्वास्थ्य से रिलेटेड बात को जरूर ध्यान में रखें और खास करके अपने पिताजी का ध्यान जरूर रखें ताकि आपको अधिक परेशानी ना हो सके, क्योंकि आप ऑलरेडी आर्थिक दृष्टि से और जीवन में वैवाहिक दृष्टि से आपको परेशानी होगी और साथ में पिताजी का तबीयत खराब होगा तो अधिक परेशानी आपको उठानी पड़ेगी। तो दोस्तों आप पहले से ही बिल्कुल सावधान रहें ताकि आपको अधिक परेशानी ना हो। और दोस्तों अब लास्ट में हम चर्चा करेंगे उपाय के बारे में, आपको इतनी सारी परेशानी है इनकी परेशानी से आप कैसे बच सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप शनि देव की उपासना करेंगे तो सर्वप्रथम आप शनि देव की उपासना करेंगे सैटरडे के दिन, और अगर आपको दूसरे दिन भी समय मिल सके तो आप कर सकते हैं शनि देव की मंत्र के उच्चारण के साथ तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और दोस्तों जो सेकंड उपाय है आपके लिए, आप कुत्तों को, जी हाँ दोस्तों कुत्तों को भोजन करा सकते हैं, खाना वगैरह या फिर कुछ अलग बचे खुचे भोजन दे सकते हैं। और साथ में दोस्तों शनिवार के दिन काफी ज्यादा चींटियों को आप आटा दे सकते हैं अथवा दोस्तों चीनी भी डाल सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के जातकों के किस्मत में क्या है खास इस महीने अप्रैल 2020 में, और लास्ट में बताएंगे जो भी समस्या है उनके समाधान और उनके उपाय के बारे में। तो दोस्तों बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें।
सफलता का तो कोई मंत्र नहीं होता है दोस्तों, लेकिन जिंदगी की सच्चाई तो यह है कि परिश्रम लगातार करना पड़ता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लगातार मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो एक ना एक दिन सफलता आपकी कदम चूमेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राधारमन जी, आप देख रहे हैं RRJEE पामिस्ट्री शो और मैं हूँ आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। दोस्तों, इस महीने अप्रैल 2020 में आपको व्यापार की दृष्टि से देखी जाए तो काफी ज्यादा विस्तार करेंगे व्यापार के क्षेत्र में और काफी ज्यादा मुनाफा भी होने की संभावना बन रही है इस महीने अप्रैल में। और दोस्तों, आपको व्यर्थ की भाग दौड़ बनी रहेगी बहुत ही ज्यादा, जिससे आपको कुछ परेशानी भी हो सकती है। और दोस्तों, प्रयास आप जो भी करेंगे, मेहनत जो भी करेंगे, उसमें आपको अधिक सफलता भी मिलेगी दोस्तों। और अगर करियर के क्षेत्र में बात की जाए तो आपके करियर में जबरदस्त प्रमोशन आपका होने वाला है दोस्तों, और काफी अच्छा आपको इस महीने आपके जॉब में भी प्रमोशन होने की संभावना बन रही है। और अगर करियर में मेहनत करेंगे, अगर आप दोस्तों विद्यार्थी हैं और अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको बेहतर परिणाम भी मिलने की संभावना बन रही है दोस्तों। अगर पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो आपके पूरे फैमिली में शांति की अवस्था बनी रहेगी, काफी शांत माहौल, शांत वातावरण बनी रहेगी और किसी तरह की कोई परेशानी का ज्यादा ओलझोल नहीं रहेगा आपके फैमिली में। और दोस्तों, अगर प्रेम के क्षेत्र में देखी जाए तो आपको अपने जीवन साथी के साथ काफी रोमांस करने का भी मौका मिलने की संभावना बन रही है इस महीने अप्रैल 2020 में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके जीवन में, दांपत्य जीवन में इस माह अप्रैल 2020 में चुनौती का सामना करने की संभावना बन रही है। किसी तरह की चुनौती आपको काफी परेशान करेगी तो दोस्तों जरूर आप सावधान पहले से रहें ताकि आपको विशेष हानि ना हो। और अगर दोस्तों आर्थिक दृष्टि से देखी जाए तो इस महीने अप्रैल 2020 में आपको काफी रूप आर्थिक दृष्टि से इस महीने काफी ज्यादा समान समय व्यतीत होने वाला है, ना ज्यादा अधिक मुनाफा और ना ज्यादा नुकसान। क्योंकि दोस्तों आपको मुनाफा तो काफी अधिक होगी, लेकिन दोस्तों खर्च भी अधिक होंगे, जिस वजह से आपका आर्थिक दृष्टि और आर्थिक व्यवस्था आपका काफी समान रहेगा। और अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखी जाए तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ सकती है इस महीने दोस्तों। इस महीने आप स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना उठानी पड़े। और दोस्तों, अगर लास्ट में मैं बात करूं उपाय के बारे में, जो भी आपको समस्या है, जो भी परेशानी से आप जूझ रहे हैं, इनका अगर उपाय चाहते हैं तो दोस्तों शनिवार के दिन सरसों के तेल तथा काले तिलों का दान करें और दोस्तों मस्तक पर केसर का तिलक भी लगाएं। दोस्तों, आज उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें इस वीडियो को। और आज हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के जातकों के किस्मत में क्या है खास इस महीने अप्रैल 2020 में, और लास्ट में बताएंगे जो भी समस्या है उनसे आप बचने के लिए उपाय। तो दोस्तों बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। सफलता का तो कोई मंत्र नहीं होता है दोस्तों, लेकिन जिंदगी की सच्चाई तो यह है कि आप लगातार मेहनत परिश्रम करेंगे तो जरूर एक ना एक दिन आपकी जरूरत पूरी होगी और आपको सफलता जरूर मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RRJEE पामिस्ट्री शो और मैं हूँ आपके साथ राधारमन जी। तो बिना इस देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इस महीने अप्रैल 2020 में आपके लिए खास बात यह है कि संतान के भविष्य के लिए आप जरूरत से ज्यादा शिक्षा के लिए आप धन खर्च करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और कार्य क्षेत्र की अगर बात की जाए तो आपके कार्य क्षेत्र में इस माह खूब ज्यादा मन लगने वाला है आपको, और काफी अच्छे से मन लगा के आप अपने कार्य को इस महीने करने वाले हैं आप। और अगर आप इस महीने की जी जान से अपना काम करेंगे तो आपको सफलता भी अधिक मिलने वाली है दोस्तों। और सिंह राशि के विद्यार्थी की अगर मैं बात करूं तो सामान्य परिणाम मिलेंगे, जितना आप मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको परिणाम मिलने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप जरूर अपने आप में चाह हैं कि हम अधिक मेहनत करें ताकि आपको विशेष सफलता मिल सके,
दोस्तों अगर पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो आपके पूरे फैमिली में पूरे परिवार में किसी तरह की तनाव बन सकती है। और दोस्तों जो तनाव इस पिछले महीने से भी बन रही है कुछ ना कुछ तनाव, तो शुरुआती इस महीने में कुछ तनाव तो बनेगी, लेकिन सेकेंड वीक से दूसरे सप्ते से इस महीने में आपकी परिवार की तनाव दूर होने लगेगी और आपको पूरे फैमिली में आपके पूरे फैमिली में खुशहाली का समय व्यतीत होने लगेगा। और अगर दोस्तों प्रेम जीवन की बात की जाए तो आपके प्रेम जीवन में समस्या का सामना करना पड़ सकता है आपको। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन साथी के साथ किसी तरह की कुछ उलझने आ सकती है, जिससे आप सावधान रहें और जरूर पहले से सावधान रहेंगे तो आपको समस्या नहीं आएगी, अगर आएगी भी तो आप उसका समाधान कर लेंगे दोस्तों। और अगर दोस्तों आप शादीशुदा हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में अच्छा व्यतीत होने वाला है दाम्पत्य जीवन। जी हाँ दोस्तों, और अगर दोस्तों जीवन साथी के साथ नजदीकी इस महीने बढ़ाएंगे तो आपका प्यार भी बढ़ेगा और आपकी समस्या भी ऑलरेडी खत्म हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आर्थिक दृष्टि से बात की जाए तो इस महीने आपके आर्थिक क्षेत्र में काफी उतार चढ़ाव बन सकती है और उतार चढ़ाव के वजह से आपको कुछ विभिन्न विभिन्न तरह की परेशानी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, महीने के शुरुआत में अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो खराब हो सकती है आपकी स्वास्थ्य, इसलिए दोस्तों अप्रैल महीने के शुरुआती वीक में फर्स्ट वीक में आप अपने स्वास्थ्य का कुछ विशेष ख्याल रखें ताकि आपकी स्वास्थ्य में जो भी परेशानी आए आप उसे बिल्कुल उसके समस्या से बिल्कुल लड़ सकें और समस्या को दूर कर सकें। जी हाँ दोस्तों, अब लास्ट में चर्चा करेंगे उपाय के बारे में, आपको जो भी समस्या है जो भी परेशानी से आप जूझ रहे हैं उनके उपाय के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अमावस्या के दिन श्रद्धा के अनुकूल यानी कि श्रद्धा के मुताबिक आप दान करें, आपको जितना हो सके उसके मुताबिक दान करें और शनिवार के दिन उड़द की दाल के बड़े बना करके बांटें, जिससे आपको विशेष सफलता मिलेगी, विशेष लाभ मिलेगी। यहाँ दोस्तों आपके काफी ज्यादा शत्रु के वजह से आपको परेशानी आ सकती है, शत्रु आपके दुश्मन आपको किसी न किसी काम में किसी न किसी कार्य को करने में अवरोध उत्पन्न करेंगे और परेशानी में डालेंगे। और इस महीने के लास्ट में आप अपने दुश्मन पे जरूर आप अपने दुश्मन को पराजय करेंगे और आप अपने आप को जीत लेंगे अपने शत्रु से। और दोस्तों आपको सफलता तो मिलेगी लेकिन जितनी मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको सफलता नहीं मिल पाएगी और मेहनत के मुताबिक कम सफलता मिलेगी। और दोस्तों विद्यार्थियों की अगर बात की जाए तो इस महीने काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा विद्यार्थियों को, मेहनत तो करना पड़ेगा काफी ज्यादा और उनको रिजल्ट जो है काफी कम मिल पाएगा, मेहनत के अकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगा। आपके माता और पिताजी के स्वास्थ्य से संबंधी किसी तरह की परेशानी हो सकती है माता और पिताजी को। जी हाँ दोस्तों, इस महीने अपने माता और पिताजी का विशेष स्वास्थ्य का ख्याल रखें ताकि उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्या आए तो उनको आप सहयोग कर सकें और विशेष अधिक परेशानी ना उठानी पड़े। और दोस्तों आपको भाई और बहनों से काफी ज्यादा सहयोग मिलने वाला है इस महीने, आपको अपने भाई और बहन का सहयोग आपको जरूर मिलेगी, तो दोस्तों अपने भाई और बहन का भी विशेष ख्याल रखें। और अगर बात की जाए प्रेम जीवन की तो इस महीने अप्रैल 2020 में आपको प्रेम जीवन में समस्या का सामना करना पड़ सकता है, किसी तरह की समस्या और उलझन या फिर मनमुटाव बन सकती है आपके प्रेम जीवन में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके लिए शादीशुदा व्यक्ति को इस अप्रैल माह के लिए काफी शुरुआत में यानी फर्स्ट वीक में अप्रैल के फर्स्ट वीक में कुछ समस्या आ सकती है आपके जीवन साथी के साथ, मनमुटाव या किसी तरह की झगड़ा या किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक दृष्टि से अगर बात की जाए तो ये महीने आपके लिए आर्थिक दृष्टि से काफी अनुकूल समय रहने वाला है, यानी कि मध्यम वर्ग का सामान्य समय रहेगा आर्थिक दृष्टि से। और मैं अब लास्ट में बात करूंगा उपाय के बारे में, जो समस्या से आप जूझ रहे हैं उससे आप कैसे बच सकते हैं और विशेष सफलता आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, भैरव मंदिर जाकर के आप भैरव बाबा के दर्शन करेंगे और कुत्तों को रोटी और दूध अगर देंगे खाने के लिए
या फिर दोस्तों पक्षियों को भोजन डालेंगे खाने के लिए, तो आपको इससे विशेष सफलता मिलेगी। जो समस्याएं आ रही है उससे आप बच सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस महीने अप्रैल 2020 में तुला राशि के लिए खास बात क्या है कि प्रेमिका से आपको मतभेद रहेगी, यानी कि मतभेद होने की संभावना है। इसलिए दोस्तों आप अपने प्रेमिका के साथ या फिर दोस्तों अपने जीवन साथी के साथ जरूर अच्छा और मधुरता लाएं, ताकि आपको मतभेद ना हो सके और मतभेद से आप बच सकें। यहाँ दोस्तों आपको मानसिक चिंताएं भी बढ़ने की संभावना बन रही है। मन से संबंधित चिंताएं बढ़ेगी, परेशानी बढ़ेगी और किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से आपको मानसिक प्रेशर भी बढ़ सकती है। यहाँ दोस्तों यह अप्रैल का महीना आपके करियर के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपके करियर से कुछ अच्छा आपको मुनाफा या रिटर्न मिल सकता है, जिससे आपको काफी लाभ मिलने की संभावना बन रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी में हैं, तो आपके लिए अच्छी तरक्की मिलने वाली है इस महीने आपको। यानी कि दोस्तों आपको नौकरी या जॉब में आपको प्रमोशन मिलने की संभावना मिल रही है। अगर आप व्यापारी हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो आपके लिए काफी अच्छा लाभ हो सकता है, काफी अच्छा मुनाफा हो सकता है इस महीने, खास करके बिजनेसमैन को दोस्तों। और शिक्षा की दृष्टि से देखी जाए, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो दोस्तों आपको मिले जुले परिणाम मिलने की संभावना है। कुछ खास परिणाम तो नहीं मिलेंगे, लेकिन बिल्कुल सामान्य परिणाम मिलेंगे, जिस तरह का परिणाम आपको लगातार मिलता आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर प्रेम संबंध की बात की जाए, तो आपको दोस्तों इस महीने अप्रैल में प्रेमिकाओं के बीच प्यार बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों आपको प्रेमिका के साथ किसी तरह की जो है मतभेद भी हो सकती है इस महीने। जरूर अपने प्यार के साथ, अपने प्रेमिका के साथ सावधानी बरतें। अगर आप दोस्तों विवाहित हैं, तो विवाहित व्यक्ति के लिए उनके जीवन साथी को कार्यक्षेत्र में जबरदस्त तरक्की मिलने वाला है। अगर आप शादीशुदा हैं, तो आपका जीवन साथी जो है दोस्तों, उनको किसी न किसी कार्य में, किसी न किसी जॉब में, अगर आप कुछ काम कर रही है, कुछ काम कर रहे हैं आपके जीवन साथी, तो आपको विशेष उनको लाभ मिलने वाला है इस महीने। जी हाँ दोस्तों, अगर आर्थिक दृष्टि से देखी जाए, तो इस महीने आर्थिक दृष्टि से काफी अच्छा मुनाफा होने वाला है, धन लाभ भी होने की संभावना बन रही है इस महीने। दोस्तों आपको धन लाभ अधिक हो सकती है। और अगर इस महीने बात की जाए, तो आप इस धन लाभ के वजह से कुछ ना कुछ नए जगह प्रॉपर्टीज भी आप खरीद सकते हैं, जमीन वगैरह भी आप खरीद सकते हैं। और अगर स्वास्थ्य की बात की जाए, तो इस महीने स्वास्थ्य के दृष्टि से थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है, परेशानी उठानी पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि आपको स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें इस महीने उठानी पड़ सकती है। और दोस्तों आपको जो भी समस्याएं इस महीने आने वाली है, इस समस्या से बचने के लिए लास्ट में अब हम आपको बताएंगे उपाय के बारे में। तो उपाय के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको करने की जरूरत है कि मंगलवार के दिन गेहूं अथवा गुड़ का दान करें। अगर आप मंगलवार के दिन गेहूं को या फिर गुड़ को दान करेंगे किसी न किसी व्यक्ति के साथ, तो आपको विशेष लाभ मिलने की संभावना बन रही है, अधिक लाभ मिलेगी और आपकी जो भी समस्या है इसमें इससे छुटकारा मिल सकता है आपको। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के किस्मत में क्या है खास इस महीने अप्रैल 2020 में, और लास्ट में बताएंगे जो भी आपको समस्या आने वाली है उससे बचने के उपाय के बारे में। तो दोस्तों बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जी हाँ दोस्तों, सफलता का तो कोई मंत्र नहीं होता, लेकिन जिंदगी की तो सच्चाई यही है ना कि अगर आप कंटिन्यू मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो एक ना एक दिन सफलता आपकी कदम चूमेगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RRJEE पामिस्ट्री शो और मैं हूँ आपके साथ राधा रमन जी। तो चलिए बिना देर के भी शुरू करते हैं। दोस्तों इस महीने आपको आपस में मतभेद हो सकती है। दोस्तों आपको फैमिली में किसी न किसी मेंबर से आपको परेशानी हो सकती है, मतभेद हो सकती है, मनमुटाव होने की संभावना बन रही है दोस्तों, जिस वजह से आपको कुछ परेशानी उठानी पड़ सकती है। और दोस्तों इस महीने अप्रैल 2020 में परिवारजनों के साथ सहयोग करें, यही अच्छा रहेगा। आपको अपने फैमिली के साथ मिलजुल के रहेंगे, हर फैमिली मेंबर को आप कुछ ना कुछ सहयोग करेंगे, तो आपको मतभेद होने से छुटकारा मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, और आपको किसी न किसी अलग तरह का लाभ भी हो सकता है।
इस महीने आपको दोस्तों नौकरी बदलने की पूरा पूरा चाहत होगी और पूरा प्रयास भी करेंगे आप नौकरी बदलने की और नौकरी को जॉब को चेंज करने की, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ परेशानी हो रही है जिस जॉब से, आप उस जॉब से छुटकारा पाना चाहेंगे और बदलना चाहेंगे नौकरी। और दोस्तों अगर शिक्षा की बात की जाए तो इस महीने अप्रैल 2020 में स्टूडेंट के लिए कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, कुछ बाधा का सामना करना पड़ सकता है स्टूडेंट को। और दोस्तों अगर पारिवारिक दृष्टि से देखी जाए तो पारिवारिक जीवन में कुछ समस्या भी आ सकती है, आपकी फैमिली मेंबर में कुछ ना कुछ अलग तरह का समस्या आने की संभावना बन रही है। और दोस्तों अगर देखी जाए इस महीने की शुरुआत में तो आपको आपके जीवन में कुछ मनमुटाव का संभावना बन रहा है फैमिली के साथ, जिस जो कि हम आपको पहले ही बता भी चुके हैं। दोस्तों अपने फैमिली के साथ जरूर मधुरता लाएं, मिठास लाएं, ताकि आपको जो मनमुटाव की संभावना है ये ना हो सके और आप पूरे फैमिली में खुशी खुशी रह सकें। और दोस्तों अगर वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो वैवाहिक जीवन में आपको खुशहाल का अवसर मिल सकता है इस महीने। और अगर नए शादीशुदा हुए हैं 1 से 2 महीने पहले तो आपको विशेष खुशहाली मिल सकती है इस महीने। जी हाँ दोस्तों अगर धन संबंधी बात की जाए तो इस महीने आपको कुछ परेशानी आ सकती है आपके कार्य क्षेत्र में, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो उसमें भी आपको कुछ परेशानी की संभावना हो सकती है। और इस महीने आपको धन भी हानि होने की संभावना हो रही है, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको किसी न किसी तरह का नुकसान होने की संभावना बन रही है। जी हाँ दोस्तों इस महीने आप कुछ भी अगर करें नया तो जरूर सोच समझ के और अच्छा से निर्णय लेके कदम उठाएं, क्योंकि आपको नुकसान होने की पूर्ण संभावना बन रही है इस महीने। जी हाँ दोस्तों अगर इस महीने अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो इस महीने आपका स्वास्थ्य बिल्कुल अनुकूल रहेगा, यानी कि सामान्य रहने वाला है। बहुत अच्छा स्वास्थ्य तो नहीं रहेगा लेकिन आपको थोड़ी बहुत समस्या स्वास्थ्य संबंधी आ सकती है, जरूर आप अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान रखें इस महीना। और इस महीने आपको काफी सारी परेशानी से जूझना पड़ सकता है और इस परेशानी से बचने के लिए आपके लिए जो उपाय है दोस्तों, इस उपाय को अगर आप करेंगे तो इस परेशानी से आपको छुटकारा मिल सकता है या थोड़ी बहुत परेशानी उठानी पड़ सकती है। और दोस्तों इस उपाय के लिए आप सर्वप्रथम हनुमान जी का उपासना करें, रोज हनुमान जी का अगर उपासना करेंगे पूजा करेंगे तो आपको समस्या जो है आपका समस्या सॉर्ट आउट हो सकता है, खत्म हो सकता है। और दोस्तों प्रतिदिन मॉर्निंग टाइम में सूर्यदेव को नमस्कार करें और उनको अर्घ्य भी दें, इससे आपको जितनी समस्या है इसमें जो है कमियां आ सकती है और समस्या आपकी खत्म हो सकती है। जी हाँ दोस्तों ये आज हम चर्चा करेंगे धनु राशि के किस्मत में क्या है खास इस महीने अप्रैल 2020 में, और लास्ट में बताएंगे जो आप समस्या से परेशान हैं उनसे बचने का उपाय। तो दोस्तों बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सफलता का तो कोई मंत्र नहीं होता है दोस्तों, लेकिन सच्चाई तो यह है कि अगर आप कंटिन्यू परिश्रम करेंगे और मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन सफलता आपकी कदम चूमेगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RRJEE पामिस्ट्री शो और मैं हूं आपके साथ राधा रमन जी। तो चलिए बिना देर के भी शुरू करते हैं। दोस्तों इस महीने अप्रैल 2020 में खास करके धनु राशि के जातक और जातिकाओं के लिए काफी ज्यादा संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है इनके लिए। जी हाँ दोस्तों आप जरूर इस महीने ध्यान पूर्वक काम करें और विशेष मेहनत आपको करनी पड़ेगी, जितना आप मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको फल नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों आपको सफल होना है और कम मेहनत में अधिक फायदा चाहते हैं, अधिक रिजल्ट चाहते हैं, तो आपको इस महीने अलग अलग रणनीति बनाने की जरूरत है। अगर आप रणनीति बनाएंगे तो आपको काफी सफलता मिलेगी, क्रमबद्ध तरीके से काम करेंगे, सोच समझ के काम करेंगे तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। जी हाँ दोस्तों इस महीने आपको परेशानी भी उठानी पड़ सकती है, आप प्रयास करें परेशानी से बचने के लिए, क्योंकि आपको इस महीने अलग अलग तरह का परेशानी हो सकता है। अगर करियर की बात की जाए तो इस महीने आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं करियर, और आपको के करियर से काफी अच्छा मुनाफा भी रिटर्न मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों अगर आप नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपको महिला अधिकारियों और कर्मचारियों से बेहतर व्यवहार करने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों
महिला अधिकारी और कर्मचारी से आपको किसी तरह की बकझक हो सकती है, इसलिए आप जरूर सावधान रहें और बेहतरीन तरीके से व्यवहार करें ताकि आपको इस तरह की परेशानी ना उठानी पड़े। इस महीने किसी नए बिजनेस की भी आप शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों, और किसी अलग धंधे में अलग कार्य में आप हाथ डाल सकते हैं और शुरुआत कर सकते हैं। इस महीने के पहले दो सप्ते तक परिवारों के लोगों से अपनी बात मनवाने के लिए आप पूरा प्रयास करेंगे, यानी कि दोस्तों आपके जो भी फैमिली हैं, परिवार हैं, आपके माता पिताजी हैं, उनसे किसी न किसी बात को आप मनवाने के लिए, तैयार करवाने के लिए, रेडी होने के लिए आप पूरा प्रयास करेंगे इस महीने पहले दो सप्ते तक। और अगर प्यार के मामले में बात की जाए तो इस महीने आपको मिले जुले परिणाम मिलने वाले हैं, सामान्य समय रहने वाला है आपके लव लाइफ में। यदि दोस्तों आप विवाहित हैं तो आपको यह माँ काफी कुछ सिखा देगी और काफी सीखने को मौका मिलेगा। इस महीने आपको कुछ अलग अलग परेशानी के वजह से आपको कुछ नया सीखने को मिल सकती है। और दोस्तों आपके जीवन साथी के साथ आपको मनमुटाव भी होने की संभावना है, जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर धन की बात की जाए तो इस महीने आपको धन लाभ की भी संभावना बन रही है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है, लेकिन दोस्तों आपको मुनाफा अच्छा तो होगा लेकिन आपको खर्च भी होने की संभावना बन रही है, जिससे आपका जो है धन का मामले में देखी जाए अर्थव्यवस्था तो आपका समान रहेगा। और दोस्तों अगर लास्ट में बात की जाए स्वास्थ्य के बारे में तो आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप जरूर स्वास्थ्य के ऊपर सावधानी बरतें और सावधानी से काम करें ताकि आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रह सके। जी हाँ दोस्तों, अब लास्ट में बताएंगे उपाय के बारे में, जिससे आपको जो भी परेशानी है उससे बचने के लिए, और अगर इस उपाय को आप करेंगे तो जरूर आपको परेशानी जो है वो कम हो सकती है या परेशानी आपकी बिल्कुल खत्म हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए जो उपाय है इस महीने भाग्य की प्रबलता के लिए, दोस्तों प्रतिदिन सूर्य देव को आप नमन करते रहें। अगर आप सूर्य देव को अर्घ देंगे, नमन करेंगे, सुबह को मॉर्निंग टाइम में नमस्कार करेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, तो दोस्तों आपका भाग्य तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ेगी और सफलता आपको मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। चर्चा करेंगे मकर राशि के किस्मत में क्या है खास इस महीने अप्रैल 2020 में, और लास्ट में बताएंगे आपको जो समस्या है मकर राशि के जातक और जातिकाओं को, जो भी समस्या है इस महीने से पहले और अप्रैल में होने वाली समस्या से बचने के उपाय के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सफलता का तो कोई मंत्र नहीं होता है, लेकिन जिंदगी की सच्चाई तो यह है कि आपको कंटिन्यू परिश्रम और मेहनत करने पड़ेंगे। अगर आप कंटिन्यू मेहनत और परिश्रम करेंगे तो एक ना एक दिन सफलता आपकी कदम चूमेगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RRJEE पामिस्ट्री शो और मैं हूँ आपके साथ राधा रमन जी। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। इस महीना दोस्तों आपको शुरुआती दौर में इस महीने के आपको नुकसान होने की संभावना हो रही है, आपको बिजनेस से नुकसान हो सकती है, लॉस लग सकती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सेकेंड वीक के बाद इस महीने के अंत में आपको लाभ होने की पूर्ण संभावना बन रही है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आप बिल्कुल सावधान रहें ताकि आपको ज्यादा नुकसान ना हो सके। अगर आप सावधानी पूर्वक काम करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए कार्य क्षेत्र के ऊपर तो इस महीने आपको कार्य क्षेत्र में काफी अच्छा तरक्की से कम प्रसन्न हो सकते हैं, यानी कि दोस्तों आपको कार्य क्षेत्र में अपनी तरक्की से बिल्कुल ही कम आप प्रसन्न होंगे, खुश नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों आपको इस महीने शुरुआती दौर में नुकसान होंगे और लास्ट में आपको लाभ होने की संभावना बन रही है, यानी कि दोस्तों बिल्कुल परिणाम समान रहने वाला है, उतार चढ़ाव हो सकती है, जिस वजह से आपको बिल्कुल इस महीने प्रसन्नता नहीं होगी, खुशी आपके चेहरे पे देखने को नहीं मिल सकता है, इस महीने मुश्किल है खुशी देखना। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आप बिल्कुल ही सावधानी पूर्वक अपने बिजनेस को संभालें। और अगर बात की जाए शिक्षा की तो शिक्षा आपकी काफी अच्छा इस महीने रहने वाली है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए काफी अच्छा ये महीने साबित होने वाली है। अगर बात की जाए पारिवारिक जीवन की तो काफी हद तक अच्छा रहने वाला है, थोड़ी बहुत मनमुटाव परिवार के बीच आ सकती है।
अगर दोस्तों बात की जाए प्रॉपर्टीज की, तो जी हाँ दोस्तों, इस महीने आप नए प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं। कुछ अलग अलग जगह आप अपने पैसे के मुताबिक आप प्रॉपर्टीज इस महीने परचेज कर सकते हैं। जी दोस्तों, इस को लेकर के आपकी फैमिली में कुछ खुशी बढ़ सकती है। इस महीने आपके जीवन में दोस्तों प्रेम आ सकती है, प्रेम आपको इस महीने कुछ अधिक मिलेगी पहले के अकॉर्डिंग, जिस वजह से आपके चेहरे पे थोड़ा सा खुशी देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप शादीशुदा हैं तो आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जी दोस्तों, अगर आप 3-4 या 5 महीने या इससे भी अधिक पहले से शादीशुदा हैं तो आपको बिल्कुल ही चुनौती मिल सकती है। इस महीने कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, कुछ अधिक परेशानी उठानी पड़ सकती है। अगर दोस्तों आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो आर्थिक स्थिति इस महीने आपका मिला जुला रहने वाला है, यानी कि समान रहने वाला है। अगर दोस्तों आपकी स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य बिल्कुल लगभग जो है ठीक ठाक रहेगा, ज्यादा अच्छा तो नहीं कही जा सकती है, बिल्कुल सामान्य रहने वाला है और थोड़ी बहुत स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इतनी सारी आपके साथ जो भी परेशानी होगी या आप जो परेशानी से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, उससे बचने के लिए आपके लिए जो उपाय है दोस्तों, मंगलवार के दिन अगर आप जो है दोस्तों मंगल से संबंधित दान करेंगे, जैसे कि मंगल देव से संबंधित जो भी सामान है, वस्तु है या खाने पीने की खाद्य पदार्थ है, जैसे में गुड़ है, चना है या लाल मसूर की दाल है, या फिर दोस्तों ये सब दान करेंगे मंगलवार के दिन, तो दोस्तों आपको विशेष लाभ होने की संभावना बन रही है। जी हाँ दोस्तों, इस शुरू करते हैं। इस महीने दोस्तों कुंभ राशि के लिए अप्रैल 2020 में व्यापार को लेकर के काफी ज्यादा आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, काफी ज्यादा आपको जाने आने की संभावना बन रही है अलग अलग जगह अलग अलग लोकेशन में। जी हाँ दोस्तों, आपको इस महीने साझेदारी से सावधान रहना है, हिस्सा अगर ले रहे हैं या किसी चीज में साझेदारी ले रहे हैं आप, तो उससे बिल्कुल सावधान रहना है, चूंकि दोस्तों आपको इससे नुकसान हो सकती है। दोस्तों अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए मिला जुला परिणाम मिलने वाला है इस महीने, बिल्कुल ये महीना आपके लिए समान रहने वाला है। अगर दोस्तों पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो इस महीने बेहतरीन रहने वाला है, आपका फैमिली पूरा फैमिली खुशहाल इस महीने रह सकता है और किसी तरह की परेशानी होने की संभावना बहुत कम हो रही है फैमिली में। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए परिवार में प्रेम और स्नेह की, तो प्रेम और स्नेह की भावना देखने को मिलेगा अधिक, और प्रेम बनेंगी आपके फैमिली मेंबर को के साथ आपको, और अधिक स्नेह भी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखी जाए तो यह महीना अप्रैल 2020 आपके लिए काफी मिश्रित परिणाम देने वाला है, बिल्कुल समान परिणाम देगा, मिला जुला रहेगा, बिल्कुल ही आपको स्वास्थ्य जो है आपके पूरे फैमिली में और आपका समान रहेगा। थोड़ी बहुत स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ सकती है जिससे आपको कुछ खास परेशानी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखी जाए तो यह महीने आपके लिए काफी शॉर्ट से ही पैसा कमा सकते हैं, शॉर्टकट आप प्रयास करेंगे पैसे कमाने के लिए, और दोस्तों आपको इस महीने शॉर्टकट से पैसे कमाने की अवसर भी मिलेगी, आप बिल्कुल शॉर्टकट से अच्छे पैसे कमाएंगे इस महीने। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए इस महीने तो आपको खास रूप से देखी जाए तो शॉर्टकट में आपको जुए या सट्टेबाजी या शेयर बाजार आदि के द्वारा आपको धन कमाने का बिल्कुल ही मौका मिलेगा और आपको इससे फायदा भी होने की संभावना बन रही है। जी हाँ दोस्तों, अब लास्ट में बात करेंगे हम उपाय के बारे में, आप जो भी समस्या से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, उनसे बचने के लिए आपके लिए जो उपाय है दोस्तों, शनिदेव की पूजन करेंगे मन से, और जो दोस्तों राह में रास्ते में कुत्तों को, जी हाँ दोस्तों कुत्तों को रोटी और दूध खाने के लिए देंगे तो आपको विशेष लाभ होने की संभावना बन रही है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बिना देर के भी शुरू करते हैं।
दोस्तों इस महीने अप्रैल 2020 में आपको काफी जोश मिलेगा, काफी जोश से आप काम को प्रारंभ करने वाले हैं, कुछ नए काम को करेंगे, कुछ क्रिएटिव करेंगे इस महीने। और दोस्तों इस महीने आपको काफी उत्साह भी मिलेगा, काफी उत्साहित रहेंगे, आपका उत्साह काफी बढ़ेगा दोस्तों। और इस महीने आप दिन रात मेहनत करके काम करेंगे, काफी अच्छा मेहनत करेंगे, लेकिन दोस्तों आपके करियर में जो पहले से चल रही है करियर, उसमें कुछ उतार चढ़ाव आ सकती है, जिससे आपको कुछ नुकसान होने की संभावना बन रही है। दोस्तों आपके कर्म भाव में केतु की उपस्थिति के कारण आपका मन और कार्य क्षेत्र से भंग करवा सकती है जी दोस्तों, जिससे आपको नुकसान भी हो सकती है। अगर आप स्टूडेंट हैं, शिक्षा के मामले में बात की जाए तो विद्यार्थियों को काफी उतार चढ़ाव हो सकता है, स्टूडेंट को इस महीने काफी उतार चढ़ाव बन सकता है। जितना आप मेहनत करेंगे, स्टडी करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसलिए दोस्तों आपको इस महीने घबराने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों इस महीने अप्रैल 2020 में पारिवारिक सुख इस महीने आपको बहुत ही कम मिलने वाला है, काफी कम मिलेगा पारिवारिक सुख। हो सकता है आप अपने घर से दूर रहें या अलग अलग जगह रहें, जिससे आपको परिवार का आनंद बहुत कम मिलेगा। अगर बात की जाए प्रेम जीवन की, तो प्रेम जीवन में कुछ समस्या का संभावना बन रहा है दोस्तों, आपको जीवन साथी के साथ कुछ अलग तरह का समस्या आ सकता है, जिससे आपको कुछ प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है, जिससे दोस्तों आप बचें और सावधानी पहले से बरतें ताकि इस तरह की समस्या आपको नहीं आए। और दोस्तों आर्थिक दृष्टि से देखी जाए तो यह महीना अप्रैल 2020 आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है, बिल्कुल अच्छा रहेगा, लेकिन दोस्तों आपके करियर में कुछ थोड़ी बहुत अड़चन आ सकती है, थोड़ी बहुत रुकावट आ सकती है, जिससे दोस्तों आपको कुछ नुकसान होगी। लेकिन इस महीने अप्रैल के फर्स्ट और सेकंड वीक में ये परेशानी आपको आ सकती है, लेकिन आपको आर्थिक दृष्टि से अच्छा रिटर्न थर्ड और सेकंड फोर्थ वीक से आएगा, यानी कि दोस्तों इस महीने के लास्ट में आपको आर्थिक दृष्टि से काफी अच्छा मुनाफा होगा और प्रोग्रेस भी आपका होने वाला है। अगर बात की जाए स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वास्थ्य के मामले में इस महीने में आपको काफी अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, यानी कि स्वास्थ्य संबंधित समस्या इस महीने नहीं होगी, बहुत कम होगी, थोड़ी बहुत स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, आप बिल्कुल स्वस्थ रहने वाले हैं इस महीने अप्रैल 2020 में। जी हाँ दोस्तों, आप जिस समस्या से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, उनसे बचने के लिए आपके लिए जो उपाय है इस महीने अप्रैल 2020 में, दोस्तों गुरुवार बृहस्पतिवार यानी कि बृहस्पतिवार के दिन आप पीले चावल बना करके लोगों में बांटें, या फिर दोस्तों ब्राह्मणों को भोजन कराएं, इससे आपको विशेष लाभ होने की संभावना बन रही है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को, ताकि इस तरह की राशिफल से रिलेटेड वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम चर्चा करेंगे मीन राशि के जातक।